Assalamualaikum dear students, I am your physics teacher Abdurrauf. Students, last time हमने equilibrium को discuss किया था, उसके साथ साथ हमने उसकी पहली condition को discuss किया था. Equilibrium क्या होता बेटे? जब भी किसी body के ऊपर जितनी भी forces act कर रही हो और उन body का sum up किसके बराबर हो बेटा? Zero के बराबर आ जाए तो वो body हमारी किस चीज में होती है? Equilibrium में होती है. उसमें हमने देखा था बुक लाइन और टेबल एग्जांपल एक देखी थी. एक हमने लॉग लिया था लकड़ी का, उसको हमने दो फिक्स स्ट्रिंग के साथ अटैच किया था जहां पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी F1 और F2 और उसका पूरा वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था. वो दोनों फोर्सेस वेट को बैलेंस कर रही थी. वो भी आपका क्या थी बेटा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में थी. उसके साथ हमने देखा था फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसमें हमने ये देखा कि आपके पास जितनी भी फोर्सेज हैं अगर उनका सम अप ले लें वो किसके बराबर था बेटे? जीरो के बराबर होता है. तो वो भी किसको सेटिस्फाई करता है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को. उसके बाद हमने इसके कंपोनेंट्स को भी देखा था, वो भी क्या होते बेटे? वो भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करते हैं. मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम अप वो भी जीरो के बराबर था, वर्टिकल कंपोनेंट का सम अप भी वो भी बेटे किसके बराबर था? जीरो के बराबर था. आज नेक्स्ट बेटे आपके पास एग्जांपल है 4.4 और उसके साथ आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं बेटा एग्जांपल 4.4 पे आपके टॉपिक में दी गई है बुक में. वो क्या बेटा एग्जांपल 4.4 में डाटा क्या है? वो कह रहा है कि एक 10 न्यूटन का मास, उसको एक फिक्स्ड स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है और उसका वेट जो है वो क्या है? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. उसका वेट क्या बेटा? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. तब उसके अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो आपने टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है. उसके लिए क्या होगा बेटे? वेट आपके पास कितना है? 10 न्यूटन है. टेंशन आपने फाइंड करनी है. अगर हम देखें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने क्या देखा था कि सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो. मतलब क्या है? उनके कंपोनेंट्स भी किसके बराबर थे बेटा? जीरो के बराबर थे. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, इसमें देखिए बेटा आपकी बॉडी क्या है, उसकी जो मोशन है वो वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है. इसका मतलब क्या होगा? जो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की फोर्सेस होंगी वो किसके बराबर हो जाएंगी बेटा? जीरो के बराबर हो जाएंगी. इसका मतलब क्या है कि अलोंग हॉरिजॉन्टल आपकी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही. इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का पहला कंपोनेंट है एफ ऑफ एक्स वाले, वो तो बेटा हो जाएंगे जीरो के बराबर. अब हमें पता बॉडी की मोशन क्या है बेटे? वर्टिकल मोशन है. तो हम दूसरा उसका कंपोनेंट लेंगे सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स एफ ऑफ वाई मींस इज इक्वल टू जीरो. तो हमें पता है ये क्या है, आपके पास एक नेट फोर्स है. तो नेट फोर्स किसके बराबर होती है बेटे? टेंशन माइनस अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स क्या है बेटे? वेट है. पोटेंशियल आपने फाइंड करनी है. पोटेंशियल को इस साइड पे ले जाएंगे बेटा क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा. और डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दोगे वो कितनी है बेटा? 10 न्यूटन. तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी टेंशन की, टी इज इक्वल टू 10 न्यूटन. उसके बाद बेटा देखते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. बेटे जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो कुछ कंडीशंस पे सेटिस्फाई होती है और कुछ कंडीशंस पे सेटिस्फाई नहीं होती. फॉर एग्जांपल कैसे? हमने देखा था अगर एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हो उनका सम अप किसके बराबर होता है बेटा? जीरो के बराबर होता है, तब वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है. ठीक है, और कुछ ऐसी कंडीशन है वहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रही होती आपकी फर्स्ट कंडीशन, लेकिन फिर भी बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में होती है. उसके लिए जो दूसरी कंडीशन है जिसको हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का नाम दिया है वो सेटिस्फाई होती है वहां पे. तो वो किस तरह सेटिस्फाई होती है वो देखते हैं बेटे. फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंडीशन को देखें, ये बेटा आपने ब्लॉक लेना है. ब्लॉक पे क्या हुआ? सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जहां पर आपकी F1 और F2 क्या कर रही है? एक्ट कर रही है. इधर से आप फोर्स लगा रहे हैं बॉडी को पुल करने के लिए और इधर से F2 फोर्स लगा रहे हैं बॉडी को पुल करने के लिए. दोनों फोर्सेस बेटा मैग्नीट्यूड में सेम होंगी लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हैं. और उसके बाद क्या होगा? इनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जहां पे ये फोर्स लगा रही है बेटा वो सेम है लेकिन वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है. तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी. तो ये किसको सेटिस्फाई करती है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को. अगर हम इन फोर्सेस की लोकेशन चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल F1 इस कॉर्नर पे एक्ट करवा दें और F2 को इस कॉर्नर पे एक्ट करवा दें, तब बॉडी क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन वो बेटे हो गया डिफरेंट, दोनों अनलाइक भी हो गई. इस तरह हमने कहा था वो कपल प्रोड्यूस करती है. कपल के लिए क्या होगा बेटे? अब ये रेस्ट की हालत की बजाय आप क्या करना कर देगी? बॉडी आपकी रोटेट करना शुरू कर देगी. क्या करना शुरू कर देगी? रोटेट करना शुरू कर देगी. तब ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है? सेकंड कंडीशन को. हमें पता है जब बॉडी रोटेट करती है मतलब क्या? बाय अप्लाइंग अ फोर्स. तो वो क्या प्रोड्यूस करती है बेटे? टॉर्क प्रोड्यूस करती है. क्या चीज प्रोड्यूस करती है? टॉर्क प्रोड्यूस करती है. अब इसके लिए क्या होगा बेटा? आपने इसकी डेफिनेशन में क्या बताना है कि द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. डेफिनेशन में क्या बताओगे बेटे? द सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो. मतलब क्या है? जितनी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाओगे उसके अंदर जो टर्न आएगा जो वो रोटेट करेगी उसके में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उस टॉर्क तमाम टॉर्क का सम. इस तरह हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा था.
अभी ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या बताना है कि सम ऑफ ऑल टास्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है कि आप जब इस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या होगी बेटे, इस तरह टर्न करेगी। जब इस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी आपकी इस तरह टर्न करेगी, मतलब एक क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन होगी उसकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तब बेटे वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क जब प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा बेटी, एक आपका जो बॉडी है वो एक ही पाथ के गिर क्या करना शुरू कर देगी, रिवॉल्व करना शुरू कर देगी, अपनी लोकेशन या पोजिशन को चेंज नहीं करेगी। वो उसकी जो मोशन है वो बेटा यूनिफॉर्म हो जाएगी। जब उसकी यूनिफॉर्म मोशन होगी इसका मतलब क्या है, उसकी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है और फोर्स लगने की वजह से बॉडी के अंदर टर्न पैदा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वो टॉर्क आपका मेंटेन ही रहेगा। क्यों, आपकी फोर्सेस अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही, बॉडी की जो रोटेशन है वो एक ही सिमत में है। इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उस टॉर्क का सम किसके बराबर होगा बेटा, जीरो के बराबर होगा। तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा आप लोगों ने सीलिंग फैन देखे होंगे, हम क्या करते हैं जैसे वो ओपन होते हैं क्या है, अपनी मोशन को एक ही पॉइंट के फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द यूनिफॉर्म मोशन करते रहते हैं, अपनी मोशन को चेंज नहीं करते। इसकी एग्जांपल में आपने क्या बताना है, अ सीलिंग फैन इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड इज इन इक्विलिब्रियम एज नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट जीरो। इसका मतलब क्या है, वो अपनी मतलब फोर्स तो लग रही है सीलिंग फैन के ऊपर, वो रोटेशन कर तो रहा है, लेकिन उसमें क्या होगा, उसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उस टॉर्क का सम वो किसके बराबर होगा बेटा, जीरो के बराबर होगा। तब वो किसको सेटिस्फाई करता है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। तो बेटा आज का टॉपिक था आपका एग्जांपल 4.4, वेट दिया हुआ था, टेंशन हमने फाइंड करनी थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं यूज हो रहा था। क्यों नहीं यूज हो रहा था, क्योंकि आपकी बॉडी की जो मोशन थी वो वर्टिकल थी, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे आप मतलब नेट फोर्स होगी, वर्टिकली नेट फोर्स लग रही है, उसमें बेटा क्या होता है, नेट फोर्स का फार्मूला टेंशन माइनस अप्लाइड फोर्स। टेंशन बेटे उसके अंदर जो प्रोड्यूस होगी वेट के डाउनवर्ड एक्ट करने की वजह से, और वेट क्या होगा बेटा वो आपको दिया हुआ है, आप इधर इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, T=W हो जाएगा, W की वैल्यू पुट करोगे 10 न्यूटन है तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 10 न्यूटन आ जाएगी। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमने क्या देखी, सेकंड कंडीशन में हमने ये देखा कि जब किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएं और उस फोर्स लगने की वजह से बॉडी के अंदर टर्न यानी टॉर्क प्रोड्यूस होगा और उस तमाम टॉर्क का सम आपको किसके बराबर होगा बेटे, जीरो के बराबर होगा। तब आपकी बॉडी होगी तो इक्विलिब्रियम में, लेकिन वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। सीलिंग फैन इसकी एग्जांपल है बेटे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा, फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आई, कोई चीज का मसला है, तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा आपने डेली बेसिस पर होमवर्क करते रहना है, अगर होमवर्क में कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मेरे साथ डिस्कस करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।